न सम्मानों से होता है, न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। परम आदरणीय, परम सम्मानीय जाट समाज के विद्वान जन, आज हम जिस महापुरुष के पुण्य तिथि में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबकी यहाँ सहभागिता हुई है, ये बड़े सम्मान और गौरव की बात है। ये जो फोटो हम जो देख रहे हैं, ये भारत की वो विभूति हैं जिन्होंने एक एक छत्र हिंदू साम्राज्य जाट रियासत की बनाई थी स्वतंत्र रूप से। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो मराठा साम्राज्य शक्ति में जो शिवाजी का स्थान है, जो स्थान महाराणा प्रताप का राजपूतों में है, वही स्थान महाराजा सूरजमल का जाट समाज में है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है। ये वो सक्सेस थी, औरंगजेब के जमाने से प्रारंभ हुआ था जाट समाज, जाट साम्राज्य। गोकुला जाट, फिर उनके पुत्र राम सिंह सिलसिलवार, फिर रतन सिंह और उनके पुत्र महाराज सूरजमल। अंग्रेज ना उनके जो किलो बनाए थे लोहागढ़, उनको कभी भेज नहीं पाई। मराठा शक्ति उनको न झुका पाई, न अंग्रेज झुका पाए, न राजपूत झुका पाई। एक ऐसी शख्सियत के सम्मान में हमने एकत्रित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समय कम है, मैं ये कहना चाहता हूं कि समय समय पर ऐसी विभूतियों को आगे जो जनरेशन है उनको बताने की जरूरत है। मैं एक बार पोस्टिंग थी मेरी सिकंदराबाद में, मैंने वहां देखा कि एक दल गुजरातियों का था, एक दल मराठियों का था, एक दल तमिलवासियों का था, लेकिन अगर दल नहीं था तो जाटों का नहीं था। मैंने इस बात के लिए अपने जाट लोकबंधुओं को इकट्ठा किया, वार्तालाप किया, उनसे चिंतन मनन किया और धीरे 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 एक ऐसा समुदाय हुआ कि जाटों की वहां पे एक दल बन गया। वहां पे हम पीछे क्यों हैं? हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता की कमी नहीं है, बस एक एकजुटता नहीं है। उस एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। जो वंश परंपरा है, जो जाति है, जो ज्ञान है, जो परंपरा है, जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को से हम उनको अपने इतिहास के बारे में बताएं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वी मस्ट रेस्पेक्ट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्ड वाइज साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी, अगर भारत में बना वायुयान तो भारत में बना, विश्व का सबसे पहला। अगर सर चिकित्सा हुई तो भारत में हुई। युद्ध टेक्नोलॉजी, महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पहले हुआ, एक उन्नत किस्म का विश्व युद्ध था। 5000 वर्ष पहले वो संस्कृति है जिसने यह जान लिया था कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति महारुत। इस हार मास के शरीर में एक ऐसी आत्म तत्व है जो शरीर को चला रही है। बाकी वामपंथी इतिहासकारों ने सिर्फ भारतीय संस्कृति को सिर्फ 2-2.5 हजार साल पुराने में सिमट दिया। ये हमारे लिए बड़े बड़े शर्म की बात है। इत्तेफाक से भारत में एक ऐसी सरकारें आई जिन्होंने हिंदू न हिंदुत्व को महत्व दिया, न सगौरवकार किया। अपनी वंश पीढ़ी को हम जानकर बच्चों को बता सके अपने इतिहास के बारे में, ये बहुत जरूरी है। समय समय पर चर्चा होती रहनी चाहिए। समय समय पर अपने माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि अपनी धर्म संस्कृति इतिहास परंपरा और अपनी वेद पुराणों से हम अवगत कराएं। समय का अभाव है, कभी समय आएगा तो दूसरी बात कहूंगा। मैं उस वीर महापुरुष को याद करते हुए कहना चाहूंगा कि छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है, छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है। तलवार हो सूरजमल सिंह तो दिल्ली फतेह करती है। जय हिंद, जय भारत।